भी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा, मैं बताता हूँ तुझे। शांत हो जाओ ढोलू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? यही तो रोना है, मैं ढोलू नहीं भोलू हूँ। और मैं हूँ ढोलू। बस बहुत हुआ, आज से मेरा नाम ढोलू नहीं शमशेर सिंह है। और मेरा नाम है रिंकू भाई। आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो। वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई हैं। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। मेरा पेट तो इतना भरा हुआ है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यही सो रहा हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, रात हो गई है, आज तुम सब यही सो जाओ। शुक्रिया मौसी। रिंकू नहीं, रिंकू भाई। माफ कीजिए रिंकू भाई, पर आपके भाई शमशेर सिंह ने तो भरे बाजार में आपका मजाक उड़ाया। क्या कहा, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया? अरे जाकर देखो कौन है उधर। बचाओ! अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। मुसीबत में है, सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या, ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। रुक जा ढोलू। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उस्ताद, मुझे मालूम था आप मुझे बचाने आओगे। अगर ढोलू ने उन दोनों पहलवानों का ध्यान नहीं बताया होता तो क्या हुआ? क्या हुआ? तीनों को अंदर बंद कर दो। छोड़ दो उन सबको।
ओहो हो भाया, अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो और उनको बंद कर दो। क्या हुआ मौसी? भीम, वो चुटकी खो गई। हाँ भीम, एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया। चुटकी उसे पकड़ ले गई और का राज जरूर इस टोपी महल में है। चलो लाल पीली हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। आज कौन सी टोपी पहनूं? लड्डू का शौकी।